गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास ऑफ सौरभ सर। टुडे वी हैव स्टडी अबाउट अ पोएम फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो कि शर्ले टाउसन, जिसकी लेखिका शर्ली टाउसन है, ठीक है, उसकी हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसको कंप्लीट किया गया है और उसी सीरीज में आपकी एक पोयम आती है अ फोटोग्राफ, एक छाया चित्र, जो कि शर्ले टाउसन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक लेखिका है, कवित्री हैं जिनको कह सकते हैं, पोएटेस हैं। तो इसमें जो कवित्री है, जो पोएटेस है, वो उसने अपनी माँ की जो यादें हैं उनको इस पोयम में बताया है, क्योंकि अब उसकी मदर जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, तो वो उनकी जो यादें हैं उनके साथ उसने इस कविता को लिखा हुआ है। ए फोटोग्राफ शर्ले टाउसन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अबाउट द पोयम जान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अबाउट द पोयम जानेंगे कि पोयम किस विषय में है, ठीक है। शर्ले टाउसन जो है वो एक इंग्लैंड की लेखिका है, ठीक है। तो लिखा हुआ है सी हैज रिटन दिस पोयम अबाउट थ्री डिफरेंट स्टेजेस। She has written, वो लिख चुकी है this poem, इस कविता को about three different stages, लगभग तीन, ठीक है, different माने विभिन्न, stages माने क्या होते हैं, भागों में। तो वो इस कविता को तीन भागों में बांट देती हैं, अलग अलग समय के, एक बचपन का, ठीक है, फिर उसके बाद का और एक सबसे लास्ट का। तो ये कविता तीन भाग में बटी हुई है। द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। द पोएम, ये जो कविता है अ फोटोग्राफ इज ए ट्रिब्यूट, वो एक श्रद्धांजलि है। ट्रिब्यूट मीन्स क्या होती है, श्रद्धांजलि टू हर मदर, उसकी माता के लिए। तो यह पोएम उसकी माता के लिए एक श्रद्धांजलि है। द पोएम स्पीक अबाउट द ओल्ड मेमोरीज थ्रू ए स्नैपशॉट। द पोएम स्पीक अबाउट द ओल्ड मेमोरीज, जो ये कविता है ये उसकी पुरानी यादों को ताजा करती है थ्रू स्नैपशॉट्स, कुछ भाग करके। द पिक्चर मेमोराइज द पास्ट इंसिडेंट ऑफ हर मदर्स लाइफ विच मेक्स हर डिसकंटेंटेड। द पिक्चर मेमोराइज, वो जो चित्र है, जो फोटोग्राफ है, वो मेमोराइज को याद दिलाता है द पास्ट इंसिडेंट, पुरानी घटनाओं के बारे में, ऑफ हर मदर्स लाइफ, उसकी माता के जीवन के, विच मेक्स हर डिसकंटेंटेड, जो उसको क्या कर देता है, असंतोषी बना देता है, अर्थात वो व्याकुल हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो उसको पुराने, उसके माता के जीवन की पुरानी घटनाओं की याद दिलाती है, जिससे वो जो लेखिका है वो थोड़ी भावुक हो जाती है, डिसकंटेंट हो जाती है। She remembers the word of her mother about that picture and the mother has died now. She remembers, वो याद करती है the words, शब्दों को, of her mother, अपनी माता के, about that picture, जो उन्होंने इस तस्वीर को देखकर, इस फोटोग्राफ को देखकर कहे थे, and as the mother has died now, लेकिन जब उसकी माता का देहांत हो चुका है, वो अब मर चुकी है, she tries to cover from the unfillable loss of her life. She tries, वो कोशिश कर रही है to recover, माने पूरा करने का, recover means क्या होता है, पूरा करने का, from unfillable, जिसको भरा नहीं जा सकता, unfillable माने जिसको भरा नहीं जा सकता, loss of her life, अपने जीवन का जो नुकसान है। तो वो अपने जीवन के कभी ना भरे जा सकने वाले नुकसान को, कवर माने पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो
देखिए लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड क्या होता है? एक मोटे गत्ते पर जो चीज बनी होती है, कार्डबोर्ड देखते होंगे पहले के जमाने में चलता था, अब तो नहीं चलता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, जो कार्डबोर्ड है, जो गत्ते नुमा, जो गत्ते पर एक बना चित्र है, शोज मी या मुझे दिखाता है, व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, व्हेन माने जब द टू गर्ल्स, दो लड़कियां, कजिन मीन्स चचेरी, तो दो चचेरी बहने वेंट पैडलिंग, समुद्र में तैरने के लिए गई। ठीक है, वो पैडलिंग माने क्या होता है? तैरना। तो व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहने या दो चचेरी लड़कियां, ठीक है, वो तैरने के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन, प्रत्येक ने, होल्डिंग माने पकड़ रखा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माता जी का एक एक हाथ, तो दोनों लड़कियों ने मेरी माता का एक एक हाथ पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की थी, वो जो बड़ी लड़की थी, सब 12 इयर्स आर हो, वो लगभग 12 वर्ष के उम्र की होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दैट हेयर, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों शांति से खड़ी थी, वो तीनों शांति से खड़ी थी या खड़े होकर स्माइल थ्रो देयर हेयर, अपने बालों को मुस्कुराते हुए, अपने बालों को हटाकर, वो अपने बालों को क्या कर रही थी, हटाकर मुस्कुराते हुए, एट द अंकल विद द कैमरा, अपने चाचा की ओर देख रही थी जिनके पास एक कैमरा था। ठीक है, तो वे तीनों शांत खड़े होकर अपने बालों को हटाकर मुस्कुराते हुए अपने चाचा की ओर देख रही थी, जो कि जिनके पास एक कैमरा था। ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माय मदर्स, मेरी माता का, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले, तो मेरे जन्म से पहले मेरी माता जी का वो प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, विच अपीयर्स, जो दिखाई पड़ रहे थे, टू हैव चेंजलेस, कि उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वो उनके टेरिबली ट्रांसिएंट माने नश्वर, नश्वर मीन्स क्या होता है, जो पैदा हो और समाप्त हो जाए। ठीक है, मनुष्य का जीवन क्या है, नश्वर, पैदा होता है और मर जाता है। तो लेखिका कहती है, माई मदर दैट्स वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरी माता जी का जो चेहरा था वो मेरे पैदा होने से पहले बहुत ही सुंदर था। आई वाज बॉर्न एट द सी, वो वाज समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जिसमें बदलाव बहुत कम आया हुआ था। एंड वॉच देयर टेलीवी ट्रांसिएंट फीट, और उनके नश्वर जो पदचिन्ह थे, उनको उस समुद्र की लहरों ने क्या किया था, धो डाला था। सम 20-30 इयर्स लेटर, सम 20-30 इयर्स लेटर, लगभग 20 या 30, लगभग 20 या 30 वर्षों के बाद, ठीक है, सी हैड लॉग्ड एट द स्नैपशॉट, वह उस चित्र को अर्थात अपनी माँ की फोटो को देखकर हंस पड़ी थी। सी बेटी, सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली जो उसकी दो पुत्रियां थीं, सी हैड से, देखो कैसे, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हम तीनों ने समुद्र के
किनारे जाने के लिए अच्छी पोशाक पहनी थी या उन्होंने हमको क्या किया था, ट्रस्ट मैंने तैयार किया था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो समुद्र में हम लोग अवकाश के लिए गए थे वो मेरी माँ का अतीत था। वो मेरी माँ का क्या था, अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी अतीत थी। ठीक है, समुद्र में जाने वाला अवकाश मेरी माँ का क्या था, अतीत था, और मेरे लिए उनकी हंसी, ठीक है, वो अतीत थी, क्योंकि वो गुजर चुकी है। तो अब लेखिका याद कर रही है अपनी माता की हंसी को, तो वही लिखती है कि उनकी जो हंसी थी वो अब मेरे लिए अतीत बन चुकी है। बोथ री विद द लेवर्ड इज अ प्लस। बोथ री, री मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, और लेवर्ड माने संघर्षरत, इज अ प्लस माने हानि से उबरना। तो बोथ री विद द लेवर्ड इज अ प्लस, दोनों लेखिका और उसकी माँ अतीत में हुई हानि से क्या थी, री थी, बड़ी परेशान थी, क्षुब्ध थी। एंड विद लेवर्ड इज अ प्लस, और संघर्ष रत होकर उबरने के लिए एक व्यंग्यात्मक हंसी को हंसकर उस दुख से उबरने का प्रयास कर रही थी। तो लेखिका और उसकी माँ अतीत में हुई हानि पर बड़ी दुखी थी, बड़ी शोकाकुल थी, और वो अपनी हंसी के द्वारा उसको दूर करने का प्रयास कर रही थी। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स आई एज दैट गर्ल लिव्स। नाउ अब सी हैज बीन डेड, वो मर चुकी, अब वह मर चुकी है। एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, उनको मरे उतने ही साल, उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि उस लड़की को आए हुए। ठीक है, तो अब वह मर चुकी हैं और उनके वो मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष वह लड़की जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस परिस्थिति में देर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। तो इस परिस्थिति में अब कुछ और कहने के लिए नहीं बचा, अर्थात अब उसकी माँ भी समाप्त हो चुकी हैं और वो जो यादें हैं वो भी क्या हैं, पास्ट की हैं। ठीक है, तो अब लेखिका कहती है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि इन परिस्थितियों में उसे अब कुछ नहीं कहना है, अब वो कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसकी जो शांति है, इसकी जो शांति है वो क्या कर रही है, विश्रांति पैदा कर रही है। अर्थात ये शांत फोटोग्राफ को देखकर जो लेखिका है वो क्या हो रही है, भाव विह्वल हो रही है, विश्रांत हो रही, व्याकुल हो रही है। तो लेखिका ने लिखा है कि इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और इस चित्र, जो ये चित्र है, ये जो शांति पूर्वक चित्र रखा हुआ है, वो इसको देखकर और अधिक व्याकुल होती है। तो आज के लिए जो आपकी पोएम थी वो फिनिश हो चुकी है, ए फोटोग्राफ जो कि सर ली टाउलसन के द्वारा लिखी गई थी। अब आपको जो है नेक्स्ट डे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो राइट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।